बताएं, हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर बिजली गिरा दी। कमर्शियल और ज़राई सारिफीन को बिजली के शदीद झटके। हुकूमत ने बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सारिफीन के लिए बिजली का यूनिट 8 रुपए 4 पैसे और ज़राई सारिफीन के लिए 6 रुपए 62 पैसे महंगा कर दिया गया। और बल्क सार्फीन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल सार्फीन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जुलाई से कमर्शियल सार्फीन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। कमर्शियल सार्फीन फट पड़े। पहले भी हमारा पिछले महीने जून में जो बिल है 18,000 रुपया आया, ठीक है। हमने जो देख रहे हैं दो पंखे लगे हुए हैं, एक पंखा चला रहे हैं, इस पर 18,000 आ गया। छोटी सी मशीन है, उसके बाद अब जब मजीद बढ़ेगा तो तकरीबन 25 से 30,000 रुपया आ जाएगा। तो इतनी महंगाई में ये इतना करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सर पहले इतनी महंगाई है और महंगा करी जा रहे हैं, हमारा कारोबार तो है ही नहीं। कारोबार तो पूरे तबाह कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, बिल्कुल नहीं है कारोबार। बिजली इतनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। भाइयों बहुत बुरे हालात बक्सन जा रहे हैं, मैं कहना वो हालात ख़राब कर दें। लोग टका टोकरी हुए, बड़े अच्छे तरीन लोग खुदकशियाँ कर रहे, इन्ना मजबूर परेशान करता है हुकूमत आके। जो उम्मीदें लोगों सब खत्म हो गई। ज़राई सार्फीन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफा मंजूर किया गया, जिसके बाद जुलाई से ज़राई सार्फीन का फी यूनिट टैरिफ 40 रुपए 83 पैसे तक पहुंच जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। जुलाई से जनरल सर्विसेज के लिए फी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। मुताबिक बल्क सार्फीन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई। इसके अलावा ज़राई का कहना है कि सनअती सार्फीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा गया है। पावर डिवीजन की जानिब से वफाकी काबीना के फैसले से नेपरा को भी आगाह कर दिया गया है।